साथियों सलाम नमस्कार आदाब, मैं आपका अपना दोस्त बिलाल अहमद पत्रकार और आप देख रहे हैं एटीवी भारत न्यूज। साथियों जहां थोड़ी सी बारिश ने राहत दी, ऐसे में वो बारिश ही वो आंधी वो तूफान आफत बनकर भी आए। हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांव पाटखोरी में और चैनपुरी के पास के लिए जो सड़क जाती है वहां पर मौजूद हैं, और यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो एक मकान है आंधी के कारण बिल्कुल जो दीवार है ध्वस्त हो चुकी है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो ये दीवार थी पूरी यहाँ दीवार थी, तो जैसे तेज़ आंधी आती है तो ऐसे में ये इनका काफ़ी नुकसान हो गया। रही बात बिजली के जो खंभे थे रास्ते में, हमने दिखाने का जो प्रयास किया कि वो खंभे भी संपूर्ण तरीके से टूट चुके थे। अगर अनुमान लगाया जाए तो ये परिवारों का जो है लाखों रुपयों का जो है नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा है लेकिन कर भी क्या सकते हैं। रही बात जिला प्रशासन से, ये पीड़ित परिवार है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई इनके उनको उचित मुआवजा दिया जाए और इनकी नुकसान की भरपाई की जाए। पाटखोरी चैनपुरी जो रास्ता जाता है वहाँ जाफर के मकान के लाई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो मकान अभी नया ही बन रहा है, निर्माणाधीन है, और ऐसे में ये जो है इन्होंने ये जो है चार दीवारी कर रखी थी, चार दीवारी बिल्कुल तेज आंधी में बरसात के कारण बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। चैनपुरी वास की लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। हम अब अगले मकान पर आए हैं जहां पर जो है तेज आंधी के कारण जो भूसे का ये घर था इस पर टीन डली हुई थी और ये टीन जो है हवा के कारण दूसरी ओर जा पड़ी। रही बात ये गनीमत रही कि कोई बच्चा यहाँ नहीं था या कोई व्यक्ति इनके नीचे नहीं आया, काफ़ी नुकसान जो है आमजन का नुकसान भी इससे हो सकता था। हालांकि ये गरीब आदमी है, लगातार जो है कुदरत के कहर को कोई नहीं टाल सकता, तेज आंधी थी, ऐसे में काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। हमारे साथ जिसके नुकसान हुआ है वो व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई ये कितने बजे की बात है जब ये दो ढाई बजे यानी कि तेज आंधी आती है, तो फिर ये कितना नुकसान हुआ होगा आपका? ये समझो आप का 30-40 हज़ार का थे। 30-40 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है और टीन है सारी ख़त्म होगी। ये सीमेंट की टीन है, ये होगी ख़त्म। यहाँ पे लगभग बाँस वाँस वगैरह सजे रही है, सब ख़त्म हो गया और फिर इसमें भूसा वो काफ़ी उड़ गया इसमें। अच्छा, जो आपने पशुओं के लिए जो चारा इसमें भर रखा था वो सब उड़ गया। तो अब क्या मांग करना चाह रहे हैं हरियाणा सरकार से या जिला प्रशासन से? यही मांग है जी, जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी सी भरपूर करी जावे जी। ये उस्मान थे हमारे साथ जो पाटखोरी चैनपुरी के वास में रहते हैं और जिनका जो प्राकृतिक आपदा, मैं इसको कहूँगा कि भाई प्राकृतिक आपदा के कारण जो है काफ़ी रुपए का इसका जो है 30-40 हज़ार रुपए का जो नुकसान हुआ है। टीन बिल्कुल टूट चुकी है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई बच्चा वगैरह नहीं था, नहीं तो यानी कि आमजन की पशु वगैरह भी नहीं था तो यहाँ जान माल की भी हानि हो सकती थी। लेकिन गरीब आदमी है, हरियाणा सरकार से लगातार जिला प्रशासन हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं भाई इस पीड़ित परिवार की जो नुकसान की भरपाई है। और मैं गुजारिश करूंगा एसडीएम साहिबा से और तहसीलदार से जो है तुरंत इनकी जो है गिरदावरी की जानी चाहिए और यहां आकर जो देखिए आखिरकार गरीबों का कितना नुकसान हुआ है और इनकी हरियाणा सरकार द्वारा ज़रूर भरपाई भी होनी चाहिए। ये फखरुद्दीन पीछे देख रहे हैं, सारी टीनें टूटी हुई हैं, किस वजह से ये टीनें टूटी हैं और कितना नुकसान आपका हुआ है, किस वजह से हुआ है? ये अभी 3-4 बजे के लगभग आंधी और बरसात आई थी, उससे सारी टीन और पेड़ दो पेड़ टूट गए और सारी टीन उड़ गई। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। कोई जानमाल जान का तो कोई ऐसा नुकसान तो नहीं? किसी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस माल का नुकसान हो गया। अच्छा, तो कोई पशु वगैरह कोई ऐसा? पशु वगैरह इस यहाँ पर थे नहीं, पेड़ों से दूर बांध दिए मैंने पहले ही, वरना पशुओं का नुकसान हो जाता। अच्छा, और गांव में कितने लोगों का नुकसान हुआ? गांव में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, किसी का मकान गिर गया है, किसी के पेड़ गिर गए हैं, खंभे भी गिर गए हैं, बिजली बोर्ड का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। एक यहाँ पर जाफर का भी नुकसान हुआ है, चिनाई चल रही थी, मकान गिर गया उसका। अच्छा, आंधी कितने मिनट तक रही? आंधी तो लगभग 10-15 मिनट तक रही थी, लेकिन जो लास्ट का झोंका आया था उसने ज़्यादा नुकसान किया। तो क्या सरकार से क्या मदद चाहते हो? भाई सरकार से यही मदद चाहें, जो गरीब आदमी जिनका नुकसान हुआ है भाई उसकी मदद करी जावे, उसको मुआवजा दिया जावे। ठीक।